सामान्य प्रशासन विभाग राज्य प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी समेत IAS अफसर मन के करी तबादला। मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ चेतन बोरघरिया बनीस जनसंपर्क विभाग के अवर सचिव विशाल कुमार महाराणा ला सरगुजा जिला के बनाए गए डिप्टी कलेक्टर रानू साहू समेत कई IAS अधिकारी के हो तबादला। कोंडागांव दक्षिण वन मंडल के वन मंडलाधिकारी रमेश कुमार जांगड़े के द्वारा आम जन के संग दुर्व्यवहार के शिकायत लली के जिला के पत्रकार मन मुख्यमंत्री के नाव कलेक्टर ला सौंपिन ज्ञापन। पत्रकार मन जिन वन मंडलाधिकारी ऊपर आरोप लगाईस ओहू ला सौंपिस ज्ञापन। कोंडागांव पुलिस का सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी मनला धर दबोची पीड़िता थाना में कराए रही रिपोर्ट दर्ज। पुलिस ग्राम चिखलपुटी देवडोबरा पारा में घेराबंदी कर 4 आरोपी राजेश कुमार नमाजी मंडावी साधुराम सोरी और बंसी लाल लकरी गिरफ्तार। प्रदेश में धान खरीदी के महाअभियान में अब तक लगभग 107 लाख मीट्रिक टन धान के हो चुके हैं खरीदी। 23.35 लाख किसान बेचे है धान। धान के एवज में किसान मल्ला 21,937 करोड़ रुपया के हो चुके हैं भुगतान। धान खरीदी 31 जनवरी 2023 तक रही जारी। रायगढ़ पुलिस अंतर्राज्यीय अवैध हथियार बेचैया गिरोह के एक और आरोपी ला एक खरीददार के संग करीस गिरफ्तार। दोनों आरोपी एजाज अंसारी झारखंड निवासी और कविश्वर झारखंड निवासी तिरले एक एयर गन एक कट्टा 3 नग जिंदा राउंड और 7 नग एयर गन के छर्रा बरामद। बिलासपुर के उसलापुर स्टेशन के आगू महावीर नगर तीर महिला ला जिंदा जलाए के आईस मामला। महिला ला गंभीर हालत में इलाज बर सिम समा कराए गए भर्ती। पुलिस अब तक महिला के नहीं कर पाए पहचान। कोरबा के हरदी बाजार थाना क्षेत्र में मेला देखे गए 16 साल के नाबालिग लड़की के संग हुई गैंग रेप। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस 2 आरोपी सुमन नेताम और संतु नेताम लकड़ी गिरफ्तार। बेरोजगारी भत्ता ला लेके सोशल मीडिया में चला थे वार और पलटवार। रमन सिंह लिखीस चुनाव देख के दाऊ ला घोषणा पत्र आईस याद। कांग्रेस कहीस पनामा के सांड। कोरबा शहर के बीचों बीच बने मुड़ा पार हेलीपैड अखाड़ा में हुई तब्दील। मानिकपुर चौकी अंतर्गत NCDC स्कूल के छात्र और बाहरी युवक के बीच हुई विवाद फिर मारपीट। घटना में 6 छात्र ला आए चोट। पुलिस मामला के करते जांच।